रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की ब्रह्मास्त्र कल फाइनली 9 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। बॉयकॉट ट्रेंड के बीच मेकर्स ने फाइनली ब्रह्मास्त्र को ऑडियंस के सामने रख ही दिया। पहले दिन की कलेक्शन की बात करें तो आंकड़ों के मुताबिक पहले दिन बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन 35 से 36 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले 3 दिनों में ब्रह्मास्त्र 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है। आपको बता दें, ब्रह्मास्त्र को लेकर 2 तरह की ऑडियंस है। एक तरफ वो लोग जो कि बॉयकॉट कर रहे थे ब्रह्मास्त्र को और जिन्होंने ब्रह्मास्त्र को देखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझा, और एक तरफ वो लोग थे जो रणबीर और आलिया को पहली बार फिल्मी पर्दे पर देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे। रणबीर आलिया को एक साथ फिल्मी पर्दे पर देखकर फैंस काफी खुश हैं। वहीं जब बॉलीवुड का बड़ा मामला होता है और ऐसे में बॉलीवुड की क्वीन यानी कि कंगना रनौत का रिएक्शन सामने ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। अब ब्रह्मास्त्र तो रिलीज हो चुकी है, ऐसे में बॉलीवुड की क्वीन का रिएक्शन तो बनता है। चलिए आपको बताते हैं ब्रह्मास्त्र को देखकर क्या कुछ कहा है कंगना रनौत ने। हेलो फ्रेंड्स, आपने लॉग इन किया है फिल्म बीट। फ्राइडे को रिलीज हुई फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिल रहे हैं। कुछ लोग फिल्म को काफी अच्छा बता रहे हैं तो कुछ लोग फिल्म को डिजास्टर बता रहे हैं। मिक्स रिव्यूज मिलने के बाद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने में कामयाब साबित हुई। ब्रह्मास्त्र ने ओपनिंग डे पर शानदार कमाई की है। अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाली कंगना ने हाल ही में ब्रह्मास्त्र की टीम पर निशाना साधा। यही नहीं, बॉलीवुड की क्वीन ने ये तक कह दिया कि आयान मुखर्जी ने 600 करोड़ रुपए जला दिए हैं। कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ब्रह्मास्त्र के नेगेटिव रिव्यू शेयर करते हुए मेकर्स को झूठा बताया। कंगना ने रिव्यू शेयर करते हुए लिखा कि ऐसा तब होता है जब आप झूठ बेचने की कोशिश करते हैं। करण जौहर हर शो में लोगों को आलिया भट्ट, रणबीर को बेहतरीन एक्टर और आयान मुखर्जी को जीनियस कहने के लिए मजबूर करते हैं। उन्होंने धीरे धीरे इस झूठ पर विश्वास करना शुरू कर दिया। इससे क्या साबित होता है कि 600 करोड़ उस फिल्म के लिए जिसे ऐसे डायरेक्टर ने बनाया जिसने अपनी जिंदगी में एक भी अच्छी फिल्म नहीं बनाई। भारत में फॉक्स स्टूडियो को इस फिल्म पर पैसे लगाने के लिए खुद को बेचना पड़ा और कितने स्टूडियो इस जोकर की वजह से बंद हो जाएंगे। कंगना रनौत यही नहीं रुकी, उन्होंने रणबीर आलिया की शादी तक भी निशाना साधा। एक स्क्रीनशॉट को शेयर कर लिखती है, अब उनकी गुटबाजी उन्हीं को काट रही है। बीबीपीआर से शादी, मीडिया को कंट्रोल किया, केआरके जेल में रिव्यू खरीदी, टिकट खरीदी, वो सब कुछ बेईमानी से करते हैं, लेकिन बना नहीं सकते तो सिर्फ एक अच्छी ईमानदार फिल्म। कंगना ने आगे लिखा कि जो भी लोग आयान मुखर्जी को जीनियस बता रहे हैं उन्हें तुरंत जेल भेज देना चाहिए। उन्होंने फिल्म को बनाने में 12 साल लगा दिए, 14 DOP बदल दिए, 400 से ज्यादा दिन फिल्म शूटिंग करी, 85 असिस्टेंट डायरेक्टर बदले और 600 करोड़ फूंक दिए। इसके साथ ही कंगना ने ये भी लिखा कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश की। इसके अलावा भी कंगना ने लंबी चौड़ी पोस्ट शेयर की है। रणबीर आलिया की फिल्म को जिस तरीके से मिले जुले रिव्यूज मिल रहे हैं और कंगना रनौत ने जिस तरीके से अपने रिव्यूज दिए हैं, इस बात से साफ है कि कंगना रनौत को रणबीर आलिया की फिल्म ब्रह्मास्त्र बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। यही वजह है कि कंगना रनौत का गुस्सा फूट पड़ा है रणबीर आलिया पर और उनकी फिल्म के डायरेक्टर आयान मुखर्जी पर। कंगना रनौत हमेशा अपने बेबाक बयानों की वजह से फैंस को इम्प्रेस करती रहती हैं। अब जब कंगना रनौत अपने ब्रह्मास्त्र पर विचार रखेंगी तो ऐसे में फैंस उनकी तारीफ क्यों न करें। कंगना रनौत की बेबाकी को देखते हुए फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। फिलहाल तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि रणबीर आलिया की ब्रह्मास्त्र का कंगना रनौत ने जिस तरीके से पोस्टमार्टम किया है उस बारे में क्या राय है आपकी। अगर आपने अभी तक फिल्म बीट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्म बीट।